हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको VFD कंट्रोल वायरिंग विद डायग्राम के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी आप हमारे पास एक ये VFD पड़ी हुई है, इसकी आज हम आपको कंट्रोल और पावर के कनेक्शन कैसे होते हैं वो बताएंगे। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि VFD की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है इधर, ये 18.5 किलोवाट की हमारे पास एक VFD है। आज इसको हम पैनल में फिक्स करेंगे और उसके बाद इससे इसके जो कनेक्शन होते हैं वो करना सिखाएंगे। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि इसका हमने ये फ्रंट कवर इसका खोल लिया है और इधर इसके जो कंट्रोल की वायरिंग के कनेक्शन होते हैं, जैसे ये टर्मिनल बने हुए हैं, और नीचे ये इसके जो पावर के कनेक्शन होते हैं। जैसे कि अभी आप ये जो टर्मिनल देख रहे हैं कि L1, L2, L3 ये मेन इनपुट है, और जो दूसरी साइड पे है T1, T2, T3 इसकी जो आउटपुट जाती है। तो आज इसके बारे में जो फुल हम आपको डिटेल में बताएंगे, जैसे कि अभी इसमें ये पैनल में अभी हम इसको कनेक्शन करेंगे, इधर इसकी जगह है, इस पर हम लगा लेंगे VFD को। उसके बाद पूरा इसके जो पावर के कनेक्शन होते हैं और कंट्रोल के कनेक्शन होते हैं वो करना सिखाएंगे। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जो इसकी VFD की है, तो ये मेन जो पावर की वायरिंग है ये इनपुट आ गई है, और ये जो दूसरी है इसकी आउटपुट निकल के जो हमारा लोड है मोटर उसकी तरफ जाती है। और जैसा कि अभी आप इधर देख रहे हैं कि ये इसकी जो कंट्रोल वायरिंग होती है ये उसके पूरे पॉइंट आए हुए हैं, और ये हमारे पास एक सिंगल पोल MCB भी लगा हुआ है जो हमारी रिले वगैरह पैनल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा उसको कंट्रोल करता है, इंडिकेशन वगैरह लगी होती है उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए अभी हम आपको जो इसके कनेक्शन है वो करना सिखाते हैं कंट्रोल वायरिंग। और ये इसका पूरा मेन डिस्प्ले है, इसके बाद में भी हम पूरी इसकी जो है वो सेटिंग वगैरह करेंगे। तो चले अब हम आपको जो इसके जो पावर के कनेक्शन हैं वो करना सिखाते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी इनपुट आई हुई है वो हमने ऑलरेडी बंद कर ली है जो, और ये इसका मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, और ये वो जो मैंने आपको पहले ब्रेकर बताया था ये वो वाला ब्रेकर, और ये जो इसकी रिलेज वगैरह लगी हुई हैं ये हमारे VFD रन, VFD ट्रिप और दूसरा कॉन्टैक्टर कंट्रोल के लिए हमारी जो लगी हुई है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं हमारी कंट्रोल वायरिंग, इसके थ्रू हमारी ये जो इंडिकेशन लगी हुई है, और ये आगे हमारा जो रिलेज वगैरह है वो लगी हुई है जो पूरे हमारा पैनल को कंट्रोल करती है, इसकी VFD को, जो हमारी इंडिकेशन होती है रनिंग की, ट्रिप की और जो स्टॉप की होती है उसको कंट्रोल करती है। तो चलिए अभी हमने जो VFD है वो फिक्स कर ली है, तो इसके जो पावर के कनेक्शन है पहले वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो इसके कंट्रोल के कनेक्शन होंगे वो करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड, पहले सबसे पहले आपने जो इसकी मेन अर्थ होती है पैनल की VFD के साथ वो लगा लेनी है। उसके बाद जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने रेड और येलो वायर जो है केबल पावर की इनपुट केबल वो लगा दी है, जैसे कि अभी आप ये डायग्राम में देख रहे हैं जो मेन इनपुट आ रही है हमारी वो आपने दे देनी है। उसके बाद जो इसकी आउटपुट होगी वो लगा के सीधा जो लोड की तरफ जाता है, ये देख रहे हैं वायरें जो हैं वो लोड की तरफ जाती हैं वो लगा लेनी। उसके बाद ये जो कंट्रोल की वायरिंग है इसके बारे में भी फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जैसे कि अभी ये देख रहे हैं कि हमने पूरा इसका जो इनपुट और आउटपुट जो है वो केबलें लगा ली हैं, जैसे कि अभी आप ये देख भी रहे हैं, और ये हमारी जो ये टर्मिनल है इधर इसकी आउटपुट निकल के आती है, और ये जो आउटपुट आगे वायर जाती है ये हमारा जो मोटर लगी हुई उसकी तरफ चली जाती है। तो अभी जो इसके जो कंट्रोल की वायरिंग है वो हम आपको करना सिखाएंगे कि इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे कभी आप ये देख रहे हैं कि हमने इसमें जो VFD को 10 वोल्ट चाहिए होते हैं उसकी वायरें हमने इनपुट वगैरह लगा दी है, और उसके बाद जो दूसरे हमारा जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो, जैसे कि हमारा VFD रन है, VFD ट्रिप है, जो हमारा कॉन्टैक्टर के ऊपर कितनी फ्रिक्वेंसी चलती है, ये हमने को BMS के ऊपर जो हमें सिग्नल लेना होता है उसके बारे में ये पूरी जो वायरिंग है हमने जो हमारी कंट्रोल की डायग्राम थी उसके थ्रू हमने इसके पूरे कनेक्शन कर लिए हैं। और ये इधर जो हमारा ये जो वायरें हैं ये हमारी जो VFD रन और VFD स्टॉप की जो है इसकी हम इधर वायरिंग लगाएंगे, जैसा कि अभी हम
ये देख सकते हैं कि इधर जो इसके पॉइंट बने हुए हैं वो हमने लगा दिए हैं। फ्रेंड जैसे कि आप अभी आप देख रहे हैं कि हमने पूरा वो जो वायरिंग है वो कर दिया, जो ई और ले लगी हुई हैं, ये VFD रन है, VFD ट्रिप है, और जो हमारा रनिंग कॉन्टैक्टर है जैसे कि एन में लगी हुई है रिले, उसकी ये हमें इंडिकेशन देती है कि हमारा कॉन्टैक्टर रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। तो ये पूरी हमने जो वायरिंग की हुई है ये इस डायग्राम के थ्रू हमने पूरा वायरिंग कर ली है। और आगे जो हमारे सिग्नल लेने होते हैं जैसे कि BMS पे हमें कुछ सिग्नल चाहिए होता है या हमें रिमोट कोई सिग्नल चाहिए होता है, तो वो उसकी पूरी डायग्राम इधर हमने कर दी है। ये जो पहले मैंने आपको बताया था ये जो सिंगल पोल का MCB लगा हुआ है ये इस पूरी वायरिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी आपको पहले मैंने बताया था कि रनिंग की, स्टॉप की और ट्रिप की इंडिकेशन, और ये हमारा पास स्टॉप पुश बटन है, रनिंग स्टार्ट पुश बटन है, और एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ था। ये हमारा जो मेन पे ऊपर एक डिस्प्ले रिमोट डिस्प्ले लगा होता है, इसके ऊपर RJ45 की ये केबल लगी होती है जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इस जगह पे हमने इसको जो कम्युनिकेशन की ये वाली केबल है इसको लगा देनी है। हम इसको डिस्प्ले इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये फ्रंट के पैनल के फ्रंट के ऊपर भी जो हमारा डिस्प्ले लगा होता है उसके ऊपर भी हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमने आपको पूरा इसकी जो वायरिंग है वो कर ली है, तो अभी मैं हम आपको इसको ऑन कर देते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने MCB जो है हमारा RCD जो हमने ऑन कर लिया है, और इसकी जो पूरी अभी सेटिंग है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी हम करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। जैसे कि वो पहले मैंने आपको ये दिखाया था कि ये हमारा रिमोट जो फ्रंट कैमरा के ऊपर लगा हुआ, अभी ये देख सकते हैं कि हमने इसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश कर ली है। उसके बाद हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और इसके जो RPM है होते हैं उसको सेट कर लेंगे, और जो हमारी रिले वगैरह जो हमारे हमने पॉइंट NONC करने होते हैं उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि अभी अभी ये देख रहे हैं कि जो इसके नॉमिनल मोटर स्पीड है वो इधर से हम इसको सेट कर लेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ये हम किधर से सेट करते हैं, इसको हम जो हमारे मोटर के ऊपर RPM लिखे होते हैं हमने उधर से देख के इसके ऊपर हमने सेट करने होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इसके ऊपर जो हमारे मोटर के RPM है वो भी सेट कर लेंगे, उसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो पूरी वो सेट कर लेंगे, और फिर जो इसके लोड वगैरह होता है उसके पूरा पूरा हम इसको चेक करके तो फिर आपको मैं इसकी जो मोटर जो VFD है वो रनिंग कंडीशन में अभी दिखाऊंगा। ये इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ रिलेज वगैरह इसके अंदर से हमने कुछ ऑन करनी होती हैं, तो कुछ फ़ैन की होती हैं, स्पीड वगैरह जैसे सब कुछ इसके अंदर हमारा लिखा हुआ होता है। तो आप भी इसके ऊपर देख देख के इसको जो है वो पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको आज की जो हमारी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लाजम बताइए। जैसे कि अभी अभी ये देख रहे हैं कि हमारी VFD पूरी अभी रनिंग कंडीशन में आ गई है।